इंडिया की राजा ओबो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। तो गाइस अभी तो सुबह सुबह मैं तो रेडी हो गई हूँ और मेरे साथ साथ मेरी मम्मी भी। आओ मम्मी आओ, दिखाओ ये देखो बेचारी को, पहले देखो मम्मी इधर खड़ी हो जाओ। ये देखो कल तो मेरी बेचारी तो पापा के लिए हेयर डोनेशन करके आ गई है। हाँ गंजा जी बन गई है, गंजा मैडम जी। तो गाइज आप लोग तो मतलब डिमांड कर रही हो कि आंटी जी आप थोड़ा हिंदी बोलो हिंदी बोलो, तो मम्मी को आज बोली मैं कि आज तो मम्मी को थोड़ा हिंदी हिंदी बात करना पड़ेगा। हाँ हिंदी को बोलना पड़ेगा। जे कल हम गया था तिरुमती में। हाँ हाँ वो पाँव में बहुत दर्द है। हाँ पाँव में बहुत दर्द है, ठीक नहीं है। अच्छा आज जाना पड़ेगा डोनेशन के लिए। हाँ हाँ बिल तो देना पड़ेगा। हाँ। तो परसों दिन ऑपरेशन होगा होगा। हाँ तो गाइस पापा का तो 4 तारीख का ऑपरेशन है और मेरी बेटी का ना आज तबीयत कुछ अच्छा नहीं है। मतलब कल तो तिरुपति में गई थी, जाने के बाद इनका तबीयत बहुत खराब हो गई है और साथ साथ मेरा भी। लेकिन मैं तो हर वक्त मतलब देखने में तो समझ में नहीं आता पर मेरा भी तबीयत अच्छा नहीं है। मेरी मम्मी का ज़्यादा, इनके पैरों में बहुत दर्द है और ये मतलब वो ऊपर चढ़े थे ना, तो मम्मी का भी तबीयत उतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करे, मतलब ये 4 तारीख का ऑपरेशन है इसलिए आज तो ब्लड देने जाना ही है और पापा के नाम पे पैसा भी जमा करके आना है हम लोगों को। तो अभी तो चलो धीरे धीरे हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। और ये देखो आप लोगों का डिमांड पूरा हो गया, टूटेला फूटेला जो भी हो मेरी मम्मी ने जैसी भी हो हिंदी बोल दी है। हाँ अभी से मम्मी तुम्हें ऐसे ही हिंदी बोलना। हाँ ठीक है बोलेगा मम्मी, बोलेगी बोलेगी। हाँ चलो अभी चलते हैं हम लोग। गाइस CMC जाने से पहले देखो सारा सब कुछ जो है मैं निकाल के रेडी कर रही हूँ। घर से मैं 2 लाख कैश लाई थी, इनमें से 1 लाख तो हम लोग रहना खाना पापा का टेस्ट वगैरह वो सब में खर्च कर रही थी और ना जाने कितना दिन रहना पड़ेगा। तो गाइस 1 लाख मैं इधर कैश दे दूंगी, बाकी का 4 लाख तो मैं कार्ड से पे करने वाली हूँ। और गाइस ये जो देख रहे हो ये पिंक वाला ब्लड डोनेशन का फॉर्म है, यहाँ पर मम्मी और मुझे दोनों को ही करना पड़ेगा। तो गाइस चलो आज का दिन तो पूरा इसी में निकल जाएंगे मुझे लग रहा है, ये पेमेंट करने में और ब्लड डोनेशन में। तो गाइस अभी तो हम लोग निकल गए हैं और मम्मी को देखो इसका सर ढकने के लिए मैंने देखो दुपट्टे से कैसे बांध दिया। मम्मी दिखाओ थोड़ा सर को, ये देखो और पीछे दिखाओ, पीछे देखो पीछे कितना अच्छे से बांध दिए है ताकि नाक खुल जाए, तो इसलिए बांध दिया। अभी मम्मी को देखने में देखो कैसी लग रही है। मम्मी मुँह तो दिखाओ क्यों कैसे लगेगा मालूम है कैसा, हम बीबी लगता है मुसलमान का बीबी लगता है। ये है गाइस बोल रही कि मुस्लिम मतलब मुस्लिम दिख रही है मेरी मम्मी, कोई बात नहीं अच्छा ही है। हम देखो एकदम मुस्लिम बेटी लग रहे हैं देखो एकदम से। हमको तो बीबी जैसा लगता है, मेरे बेटी को भी देखने में ऐसे ही लगता है। गाइस मम्मी बोलना चाह रही है कि मम्मी तो आज ऐसे दिखने में लग रही है लेकिन मुझे हमेशा तो मुस्लिम बेटी लगते हैं, ऐसे बोल रही है। आखिर कोई क्या है ना कि मतलब मेरे मामा जी थे ना, तो मेरे मामा जी ने मेरा नाम ही दे दिया था मुस्लिम गर्ल का, क्योंकि हाँ क्योंकि मैं दिखने में ऐसी हूँ थोड़ा सा। तो मेरे मामा जी बोला कि इसके नाम प्रिया नहीं छोटू नहीं, इसका नाम मैं गुलबदन रखूँगी, तो मेरा नाम गुलबदन दिया था मेरे मामा जी। अभी तो मामा जी को मिस करती हूँ क्योंकि मामा जी तो अभी है नहीं, वही मुझे ये नाम बुलाते थे और कोई नहीं। चलो मम्मी को देख के मुझे गुलबदन नाम याद आ गया। मैं ना आप लोगों को एक बात बताऊँ, मेरी मम्मी का नखरा ना मेरे सामने बहुत चलता है। ये देखो खुद गंजा बन के आई है पति परमेश्वर के लिए और मुझे बोल रहे हैं अगर हॉस्पिटल के अंदर मुझे अगर कोई गंजा बोल के चिराएंगे तो अभी क्या होगा, ये सब बोल रहे हैं मुझे, दिमाग गर्म कर रहे हैं धूप में। और गाइस इधर देखो कितना सारा पुलिस निकल रहे हैं। अरे बाबा अभी यहाँ पर इतना सारा पुलिस क्यों आए ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। तो चलो हमें क्या, हम लोग तो जल्दी जल्दी जाते हैं नहीं तो ब्लड बैंक बंद हो जाएगा तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो गाइस हम तो ढूंढते हुए जा रहे हैं
क्योंकि हमारे रूम नंबर पता है, उसी से ही अंदर जाएंगे। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखो, ये वाला देखो, ये जो लेफ्ट साइड पे गेट देख रहे हो ना, इसका नाम तो देखो, सिल्वर गेट। देखो, मुझे लगता है ये चांदी से बनाया गया है, अभी पता नहीं है भी या नहीं, हो भी सकते है। देखो, ये जो भेलूर शहर है ना, ये तो एकदम धन संपत्ति से भरपूर है, सोने चांदी से भरपूर, राजा महाराजा का शहर है, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण सब रहते, भर भर के धन दिए हैं इन लोगों को। तो गाइस क्यों ना हो भी सकते हैं। वैसे मैंने किसी को पूछा नहीं है, तो अगर नहीं होगा तो वो अगर ये ब्लॉग देखेंगे तो बोलेंगे अरे नहीं रे बाबा, देखो हो या ना हो, दिखने में तो चांदी का हो रहा लग रहा है ना, तो हो भी सकते हैं, तो इसलिए मैंने बोला। तो गाइस ये देखो, ब्लड बैंक आ गए हैं। नहीं नहीं, ये वाला नहीं है, शायद इसमें ब्लड रखते हैं, ठीक है, बैंक तो है ना, तो रखते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, फिश। तो गाइस चलो हम लोग ढूंढते हुए जा रहे हैं डोनेशन का रूम। ये देखो मिल गया, कितने सारे लोग रे बाबा। गाइस यहाँ पे थोड़ी देर पहले मेरे साथ जो हुआ है ना, क्या बताओ, चलो मैं वो घर जाके आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन आप लोग ये वाला देखो, यहाँ पे देखो सुई तो देखो यार, कितना मोटा ना जल रहा है हाथ मेरा एकदम, देखो पूरा मेरे जैसे मोटा एक सुई लगाए है मुझे, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो गाइस ये देखो हो गए ब्लड देना, और दिए है एक जूस और एक बिस्किट, तो मैंने तो गाइस ये वाला खा लिए थे और अभी धीरे धीरे निकल रही हूँ। तो गाइस क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरा तो सर घूम रहा है, थोड़ा थोड़ा वीकनेस लग रहा है, तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे ना 450 ग्राम ब्लड लिए हैं, ठीक है, यहाँ से। तो गाइस चलो सबका तो यही लेते हैं, अभी तो घर नहीं जा पाऊँगी, अभी जाना है पेमेंट करने, पापा के नाम पे पैसे जमा करना है, अभी यहाँ पे कितना टाइम लगेगा क्या पता यार। ठीक है चलो वो भी कर लेते हैं, उसके बाद घर जाके मैं आप लोगों को बताती हूँ। हे गाइस हम लोग तो अभी घर आ गए हैं, और क्या बताओ, हॉस्पिटल में तो मेरा एकदम हालत ख़राब हो गए थे। वैसे तो मैं डरती नहीं हूँ, एक्चुअली क्या हुआ ना, उधर जाने के बाद जब मुझे ये टेस्ट करने के लिए लेके गए थे, तो उसके बाद मैंने ना बोला था कि मेरे मतलब भैंस मिलने में थोड़ा दिक्कत हो जाते, मुझे मेरी राइट हैंड पर मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाते, लेकिन उन लोगों ने बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, हमारे एक्सपर्ट है तो मिल जाएंगे भैंस, ऐसे बोल रहा था। तो उसके बाद ना यार क्या बताओ, तीन जगह पे मुझे ये सुई जो है घिसाए हैं, अंदर घुसाए हैं, और उसके बाद इतना जोर से दर्द हो रहा था, मैं तो चीख रही थी। फिर मम्मी बाहर से आ गई, आने के बाद देखा कि मैं रो रही थी, मैं खूब ज़्यादा रो दिए यार। उसके बाद जाके वो टेस्ट के लिए सैंपल लिए, उसके बाद जाके मेरे ये लेफ्ट हैंड से ही तो लेते वैसे तो लेफ्ट हैंड से लिए है ब्लड, और क्या बताओ वो दर्द हो रहा था, मैं चीख रही थी उसके उस टाइम। तो दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो मेरा हालत का मतलब हाथ का हालत देखो थोड़ा सा क्या हुआ है। और अभी तो मतलब थोड़ा थोड़ा सर में ऐसे दर्द हो रहा है, तो घर आने के बाद मम्मी तो मिल्क लाई है, तो दूध और केला खाएंगे अभी। और मुझे तो तेज पे जाने का मन हो रहा है, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊँगी, अभी थोड़ा सा सो जाऊँगी, ऐसे ही सोच रही हूँ। तो मम्मी का भी थोड़ा दिक्कत हो गया है, वैसे मम्मी का तो मतलब ये तबीयत ऐसी खराब था आज, और इस हालत में उन्होंने भी मतलब ब्लड डोनेट किए है, तो उनका भी तबीयत थोड़ा सा खराब लग रहा है अभी। तो चलो देखो मेरा हाथ देखो, हालात देखो क्या हुआ। ये देखो गाइस, ये पहले यहाँ पे देखो, ये देखो छोटा सा जो दिख रहा है ना, यहाँ पे बैंडेड खोल गया है मेरा, एक इधर है और एक देखो यहाँ पे किए हैं, और एक देखो यहाँ पे किए हैं, देखो एक हाथ पे तीन जगह पे ऐसा किया, ठीक है, और इस हाथ पे देखो इधर इधर किया है, ठीक है, तो चार जगह पे मेरा ऐसा दर्द हो गया। ठीक है चलो जो भी हो गया ब्लड डोनेशन, और ये पैसा भी जमा करके आ गए हैं, तो अभी चलो अभी मम्मी दूध बनाए उसके बाद पी लेते हैं, ठीक है। गाइज आप लोगों को ना एक बात बोलूँ, मेरी मम्मी का ना न्यू नेम रखा है, क्या पता है ये गांजा वांजा बोल के नहीं पुकारेंगे, मम्मी को बोली तिरुपति में जाके तुमने बाल दिया है तो तुम्हारा नाम आज से तिरुमाला। तो गाइज मेरी मम्मी का नाम तो तिरुमाला दे दिए है, तो तिरुमाला ने मुझे दिए है ये देखो दूध और केला।
हे गाइस, अभी तो मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा सर दर्द भी ठीक हो गए है। तो गाइस, अभी ना मेरे पापा का मन थोड़ा थोड़ा उदास होने लगे है। यार क्या बताऊँ आप लोगों को, ये देखो कल तो मतलब 7 बजे, सुबह 7 बजे हमें हॉस्पिटल जाना है, पापा को ले जाना है, क्योंकि 7 बजे बुलाए है सुबह, और हो सकता है कल ही पापा को एडमिट कर ले, क्योंकि नेक्स्ट डे पापा का मतलब ऑपरेशन होगा। तो इस वजह से मैं पापा जी थोड़ा थोड़ा देखो कैसा दुखी हो रहे हैं, इनका मन उदास हो रहे हैं। कुछ बोलना है? बोलना तो है, तो बांग्ला में बोलेगा तो बहुत अच्छा। क्या बोलो बोलो। इखने इससे अनेक दिन होलो, 16 तारीख आसछि, अनेक गुलो दिन बेरिये गेल, कालके जखन जेते हबे तो परशुदिन 4 तारीख अपरेशन हबे। তা আমার বউটা থাকবে, মেয়েটা থাকবে, এদের জন্য একটু মনটা খারাপ হবে। হ্যাঁ, এমনি ভয় পাই না দশ মেয়ে, এদিক ওদিক যায়, আমি বারণ করি যেতে। হ্যাঁ, মনটা তো একটু খারাপ হবে, ওদের রাখিয়া যেতে হবে আমার, ওই জন্য মনটা খারাপ। হ্যাঁ দেখো, ভয় পাচ্ছে বাবা অ্যাকচুয়ালি, তো আমাদের দুজনকে রেখে যাবে তাই মনটা খারাপ হচ্ছে। কিন্তু ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, আমি আর মা ঠিক করেই থাকবো, আর মতলব ম্যায় আর মাম্মি আচ্ছে সেই রয়েঙ্গে। তো পাপাকো মতলব পাপা এই বল রে আপ লোগোকো কি মতলব পাপাকো থোড়া থোড়া দুঃখ হো রা হে আর চিন্তা হো রে, মাম্মি আর মুঝে আকেলে ছোড় কে ইনকো মতলব হসপিটাল পে জানা হোগা, অপারেশন হোগা, ইস বাত সে পাপা থোড়া থোড়া দুঃখী হো রে হে। তো ম্যায় সোচ রই হু ইনকো থোড়া সা হ্যাপি কর দেতে হ্যায়, আজ মেরে পাপা জি কো চিকেন খানা বহুত পসন্দ হে, তো আমি আজ সোচ রই হু কি পাপা জি কো থোড়া সা চিকেন বানা কে খিলায়ে, ক্যা বোলো। হ্যাঁ তো কি করো, যদি খাওয়াতে চায় তাহলে তো খেতেই সবাই চায়। তো ছেলেমেয়েরা যদি খাওয়াতে চায় তাহলে তো মা বাবার খেতে ইচ্ছা করবে। হ্যাঁ, তো মানে সেরকম তো ইয়া পে তো আছে সে ও মতলব খানা বানাও নেই রা আমারা, ফির ভি থোড়া বহুত ফিশ লাকে খা রে, লেকিন আজ সোচ রই হু কি ইনকো চিকেন খিলা কেই না থোড়া সা ঠিক কর দু আর তন্দুরুস্ত ভি কর দু। হ্যাঁ, তো ইসলিয়ে মাম্মি আর ম্যায় আবি থোড়া সা বাজার যা রে, মার্কেট পে যা রে হে, দেখতে লাতে হে, ঠিক হে, উসকে বাদ খানা বানায়েঙ্গে, কি খুশি? তো হ্যাঁ খুশি, বহুত খুশি, বহুত খুশি। আর গাইস দেখো, মেরি মাম্মি পাপা কো কঙ্গি করকে দিয়া হে, দেখো ইয়ে কেসা স্টাইল রে বাবা। হ্যাঁ হ্যাঁ, বেসে পাপা কা বাল থোড়া থোড়া দেখো ইধার উধার সে বাড় রহে, কাটনা নেই মতলব কাট নেই পা রে পাপা, তো ইস বাজে সে বাল থোড়া সা বাড় রহে, আর ইয়াহ পে দেখো মাম্মি নে কঙ্গি করকে দিয়ে। ঠিক হে, চলো গাইস হাম লোগ আবি নিকলতে হে। হ্যাঁ तो गाइज़, हम लोग तो अभी चिकन शॉप पे आ गए हैं, तो चिकन ले लिए हैं, और गाइज़ ये देखो हम लोग आए हैं सब्ज़ी मार्केट पे, तो मम्मी तो यहाँ पे चुन चुन के सब्ज़ी वगैरह ले रही है, पर मुझे तो सभी सब्ज़ी अच्छा लग रहा है, देखो पूरा एकदम ताज़ा ताज़ा ग्रीन ग्रीन सब्ज़ी है, हरा हरा सब्ज़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। तो गाइज़ आप लोग ये देखो देसी चिकन, तो देसी चिकन बनाऊँगी आज। आज तो राय जी खूब याद आ रहे हैं, तो राय जी मैं तुमको यहाँ से ही बोल रही हूँ, याद देखो तुमको छोड़ के मुझे चिकन खाना पड़ेगा आज, क्या करूँ बोलो, पापा का भी तो मन रखना है। देखो बंधुरा हमार मे सब कुछ नहीं बचे गेछे, कि रान्ना होच्छे जान, देसी चिकेन। ও দেখুন না বাড়ি পেয়ে গেছে, কত কিছু করে নিয়ে বসে গেছেন, দেখুন এবার দেখুন চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছে, আমার মেয়ে একদম পাকা আধুনি, ও যদি একটা হোটেল করেন না জানেন তো, ও রান্না খেয়ে পাগল হয়ে যাবে লোকে, কি বলবো, এখনই মনে হচ্ছে তুলে এক পিস খেয়ে নিই, কিন্তু এখনো তো কষানো হয় নাই, সবে দিচ্ছে দেশি মুরগির যা টেস্ট হবে না, খুব ভালো হবে জানেন তো।
পারলে না আপনারও একবার কষা খেয়ে নিন আমার সাথে, আমি তিট্টু পরে কষা খাবো। আরেকজন তো দেখে দেখুন মনে হচ্ছে কখন খাবে, এক পিস দিত। খালি খালি বলে রাধুনি কুক, জানেন বন্ধুরা দেখুন কুক কাকে বলে, গেমে টেমে চান হয়ে যাচ্ছে। तो गाइस बड़ी मेहनत करके देखो मैंने देसी चिकन तो बना लिए है, लेकिन आज किसी को बुलाऊँ या ना बुलाऊँ, मैं तो आज राय जी को बुलाऊँगी। तो राय जी ये देखो थाली तो मैंने परोस दिया है, अब यहाँ आ जाओ बच्चा, तुम भी खा लो थोड़ा सा हमारे साथ साथ। हे गाइस मैं तो अभी नहा के आई हूँ, एक्चुअली खाना बनाते बनाते इतना गर्म लग गया था कि क्या बताऊँ यार, सब कुछ फ़ैन ऑफ करके खाना बनाना पड़ते है, तो एकदम पसीना पसीना हो गई थी मैं। तो खाना वाना खा के अच्छे से नहा के आई हूँ, और गाइस चिकन तो बढ़िया बना था, लेकिन मसले में थोड़ा दिक्कत हो रहा था क्योंकि मैं तो पीस नहीं पा रही थी ना, लेकिन अच्छा बना था, जो भी बना था अच्छा बना था। पापा तो मज़े से खाए है, इतना खाए कि अभी पॉटी करने गए हैं, पता है क्या बताओ इनको, तो पॉटी करने गए हैं और मम्मी तो अभी पापा को हेल्प करने के लिए गए हैं। तो गाइज आप लोगों ने पूछा था कि मेरे पापा का कोई इंश्योरेंस वगैरह या फिर मतलब मेडिक्लेम वगैरह कुछ है या नहीं, अगर है तो सीएमसी में देने के लिए बोल रहे थे, लेकिन गाइज मेरे पापा का ये सब कुछ है नहीं, मतलब पापा ने कभी किया ही नहीं, बनाया ही नहीं। तो पापा सोचते थे वो तंदुरुस्त थे, कभी भी उनको कुछ भी नहीं होंगे ऐसे सोचते थे, लेकिन ये देखो कैसे दिक्कत आ गए। अभी तो घर जाके सीधा हम सब मिल के ही मतलब मेडिक्लेम वगैरह कुछ भी हो, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ करवेंगे, क्योंकि देखो मतलब कोई भी सिचुएशन में किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो अभी मुझे लगता है कि सबको ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो भी हो पेमेंट तो पूरा कर दिए है, और 4 तारीख को पापा का ऑपरेशन होगा, तो कल तो हो सकते है पापा को एडमिट कर ले, मुझे लगता है कल ही कर लेंगे, ठीक है तो करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और ऑपरेशन कब होगा ये तो मुझे कल ही पता चलेगा। तो गाइज चलो अभी तो मैं राय जी से थोड़ा सा बात करूँगी और टाइगर को देखूँगी। मैं आप लोगों ने बोला था राय जी को ब्लॉग करने के लिए, छोटे छोटे वीडियो क्लिप डालने के लिए, मैं ऐसे बोली उनको देखते हैं अभी क्या करते हैं। वैसे राय जी को ना खूब सारा मतलब अभी काम हो गए है, मतलब ऑफिस का काम होते है, फिर घर का काम होते है, टाइगर को संभालना हो रहा है, तो काफ़ी सारा काम करते है वो, ठीक है। इस बीच में अगर कर पाएंगे तो मैं ज़रूर वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गाइज अभी चलो आज का ब्लॉग तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक गाइज अब सब लोग अच्छे से रहो, बाय बाय, टाटा।